गणेश चतुर्थी पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल 7 सितंबर से शुरू होने वाले गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गणेश उत्सव आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या लकड़ी के तिनके से बनाया जाता है, लेकिन इस बार रायपुर में एक वैगन रिपेयर की दुकान पर मालगाड़ी के मलबे से भगवान गणेश की बैठी हुई मूर्ति बनाई जा रही है। बच्चों की रचनात्मकता से प्रेरित होकर एक वैगन रिपेयर की दुकान के कर्मचारी स्क्रैप से 12 फुट की गणेश मूर्ति बना रहे हैं। रिपेयर शॉप है रायपुर का, जहाँ पे मालगाड़ी का रिपेयरिंग होता है। काफ़ी मात्रा में रेलवे के स्क्रैप वगैरह निकलते हैं और मैं विगत 15 सालों से यहाँ पे कलाकृतियाँ बना रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ बच्चे आते थे ट्रेनिंग के लिए, 15-20 दिनों के लिए, तो उनको कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि कुछ यूनिक चीज़ हो ऐसा करके। तो कुछ बच्चे बाहर से, महाराष्ट्र वगैरह से आए हुए थे, उनका कॉन्सेप्ट था कि सर हम गणेश बनाएंगे। उनको मैं बेसिकली गाइड करता हूँ और उनके साथ मिलके बनाता भी हूँ। तो वो हुआ ये कि उन्होंने शायद कुछ छोटे मोटे गणेश बनाए रहे होंगे, कुछ उनका थोड़ा सा क्लियर था विज़न, तो फिर उनके हिसाब से एक ड्राइंग बेसिक लेकर हम लोगों ने काम शुरू किया। 15-20 दिनों में एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लगभग नहीं वो 12 फीट का तैयार हो गया। और फिर वो बैच चली गई, फिर हमको ये पूरा करना ही था। तो अभी 4-5 लोगों के साथ हम लोग मिलके लगभग 3-4 दिनों में इसे कंप्लीट कर देंगे। ये लगभग 12 फीट इसकी हाइट रहेगी और हमारे यहाँ वर्कशॉप से काफ़ी मात्रा में स्क्रैप जो निकलते हैं, नट बोल्ट स्क्रैप और लॉकिंग प्लेट, इस तरह से काफ़ी वैरायटी है स्क्रैपों का। वो सारे वैरायटी आपको मूर्तियों में देखने को मिलेगी 2-3 दिनों बाद और भी। तो इस तरह से एक अच्छी कलाकृति बनने को आ जाएगी। उसके दांत आप देखेंगे, अभी लगाए हैं हम लोगों ने एक स्प्रिंग और कुछ, हमारे एक बंदा है उसने कहा कि सर हम कुछ और भी लगाएं तो और अच्छा दिखेगा, तो उस पर एक एक्सपेरिमेंट अभी करके देखेंगे हम लोग। और उससे कुंडल वगैरह में नट बोल्ट और कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, वैरायटी है स्क्रैपों का, तो वो हम कहीं ना कहीं एक दो दिन में अच्छा एक्सपेरिमेंट करके पूरे कुछ कुछ नट बोल्ट स्प्रिंग वायसर सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा उस पूरे ऑर्नामेंट्स में। बेसिकली अब गणेश पूजा के आसपास का चीज़ था, तो सबके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या पूजा पाठ करेंगे ऐसा है। तो हम बेसिकली परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमारा एक ऑडिटोरियम नया बना है, यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखेंगे इसे परमानेंट, आम पब्लिक भी आकर इसे देख सकती है।